शुष्क भूमि का एक वैकल्पिक इस्तेमाल कृषि वानिकी में या जंगली प्रजातियों का एक फसली में कर सकते हैं। जंगली पेड़ों की प्रजातियों को बांध, पट्टियों या बंजर भूमि में लगाने को कृषि वानिकी कहते हैं। कृषि वानिकी के कई लाभ हैं, जैसे जलावन, हरी खाद, सूखे पत्ते, चारा, चिड़ियों के लिए दाना और घोंसला, मधुमक्खियों के लिए रस आदि। बाद में पके हुए लकड़ी को बेचने से पैसे भी प्राप्त होते हैं। कृषि वानिकी के लिए चुने गए पेड़ों की प्रणाली जल्दी बढ़ने वाले, सीधा उगने वाले और कम फैलाव वाले होने चाहिए। चारा वाले प्रजाति बार बार कटाई को सहन करने योग्य होने चाहिए। उसके जड़ गहराई तक जाने वाले होने चाहिए, ताकि वो प्रायः उगाए जाने वाले फसल से नमी और पानी के लिए होड़ न करे। फलीदार प्रजातियां भूमि के उपजाऊपन को नाइट्रोजन स्थिरीकरण से बढ़ाते हैं। कृषि वानिकी में जैव विविधता और व्यापारिक मूल्यांकन को देखते हुए प्रजातियों को चुना जाता है। अब हम कृषि वानिकी के कुछ प्रमुख प्रजातियों के बारे में जानते हैं। सागौन खेतों के किनारे बाड़ के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। उसे सीधा और लंबा होने के लिए बगल के शाखाओं को छांटते रहना चाहिए। हर 6 से 8 साल पर हर दूसरे पेड़ को बारी बारी से काटने से एक अच्छा आय तो मिलता ही है, और इससे बाकी पेड़ों को और लंबा और मोटा होने में मदद भी होता है। सागौन लंबा और छरहरा होने से खेत में लगाए पौधों को पर्याप्त धूप मिलती है। ये 25 से 30 साल में बहुत अच्छा और लाभकारी लकड़ी देता है। सुबाबुल भी कृषि वानिकी के लिए एक बहुत प्रमुख प्रजाति है। ये बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट चारे के रूप में भी काम आता है। ये मात्र 6 से 8 साल में बड़ा हो जाता है। ये लुगदी और लकड़ी के हल्के सामान बनाने के काम आता है। ये ज्यादा लकड़ी देता है और इस कारण दूसरी प्रजातियों की तुलना में बहुत फायदेमंद होता है। ये चारे और खाद के लिए बार बार की गई छटाई को सहन करने में भी समर्थ है। बीजों से ये बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। इसका उपयोग खेतों में बाड़ के रूप में बहुत प्रचलित है। ये हवा की गति को कम करने का काम भी करती है। सिल्वर ओक कृषि वानिकी का एक और प्रमुख प्रजाति है। ये खेतों में बाड़ के रूप में या चाय कॉफी के बागानों में अधिकांश छाया देते हुए पाए जाते हैं। बगल के शाखाओं को छांटते रहने से ये 100 फीट से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। सिल्वर ओक से पाए लकड़ी बहुत अच्छे गुण वाले होते हैं, जिससे उनका दाम अच्छा मिलता है। इस पेड़ से भी छाया की कोई परेशानी नहीं होती। कृषि वानिकी का अगला लोकप्रिय प्रजाति है कैसुरिना। ये खेतों में बाड़ के रूप में पाया जाता है और इसकी अलग से खेती भी होती है। कैसुरिना के पेड़ सीधे होने के कारण ये छतों की ढलाई में बहुत काम आते हैं। पेड़ पूरी तरह से परिपक्व होने पर इसकी लकड़ी भी बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली मिलती है। इसी प्रकार हम नीलगिरी को भी खेतों के किनारों पर देखते हैं। चारा वाले पेड़ भी कृषि वानिकी प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है। ग्लिसीरिया बाड़ में लगाने के साथ साथ बांधों पर भी लगाया जाता है। खाद के लिए साल में 3 से 4 बार इसके पत्तों की छटाई की जाती है। ये बहुत ही पोषक चारा भी है। इसके गंध के कारण पशु इसके सूख जाने पर ही खाते हैं। सेस्बेनिया एक और पौष्टिक और स्वादिष्ट चारे का स्रोत है। ये बहुत तेजी से बढ़ता है और बार बार की गई छटाई को सहन कर सकता है।
कैलियंड्रा एक और कोमल और पौष्टिक चारा है जिसे सभी पशु बहुत पसंद करते हैं। पशु इसके पत्तों के साथ साथ इसके टहनियों को भी खा जाते हैं, परंतु हमें कैलियंड्रा पशुओं को ज्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए, इससे पशुओं में नपुंसकता बढ़ती है। कृषि वानिकी में काम आने वाले सारे प्रजाति के पेड़ जब तक बड़े होकर छायादार नहीं हो जाते, हम उनके नीचे मौसमी फसल या घास उगा सकते हैं। छाया सहन करने योग्य प्रजातियां जैसे गिनी घास को हम कुछ और दिनों तक उगा सकते हैं। बंजर भूमि पर जंगली पेड़ लगाने को कहा जाता है। नीम शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक आम प्रजाति है। हालांकि हम अलग से किए गए नीम की खेती कहीं नहीं देखते, अधिक बारिश वाले क्षेत्र में इसका अच्छा विकास नहीं होता। जैविक खेती में नीम के पत्ते, बीज, तेल, बीज के खल्ली बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। परिपक्व लकड़ी से अच्छे पैसे भी मिलते हैं। बहुत से किसान बड़े पैमाने पर इसकी उपज करते हैं। मेलिया के पत्ते बहुत पौष्टिक चारा होते हैं। ये 10 से 15 साल के भीतर ही एक शिथिल लकड़ी देता है, जो पल्प और हल्के फर्नीचर बनाने में बहुत काम आता है। पिछले कुछ दशकों से अकेशिया ऑरिक्युलरीफॉर्मिस जंगली पेड़ों में बहुत लोकप्रिय हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की ये प्रजाति अत्यधिक गर्म जलवायु और मिट्टी में नाम मात्र नमी की स्थिति को सहन करते हुए बढ़ती रहती है। पशु इसे नहीं खाते और ये 8 से 10 साल में कटाई योग्य हो जाता है। ये लकड़ी और जलावन के रूप में काम आता है और बेचा जाता है, इसलिए मोटे पेड़ ज्यादा फायदेमंद होते हैं। कृषि वानिकी खेती में पाए जाने वाला एक प्रसिद्ध प्रजाति है नीलगिरी। ये तेजी से और सीधा बढ़ता है। इसका उपयोग पल्प और लकड़ी के रूप में होता है। पहली कटाई के बाद नए कोपल गुच्छों में उग आते हैं। कहते हैं कि ये पेड़ जल स्तर को नुकसान पहुंचाती है, पर इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। पोंगेमिया शुष्क भूमि में पाए जाने वाला एक प्रमुख पेड़ है, जो कि खाद बनाने में बड़ा उपयोगी होता है। इसके पत्ते, बीज और खल्ली जैविक खेती में बहुत काम आते हैं। पोंगेमिया के बीज में अच्छे मात्रा में तेल होने के कारण इसका उपयोग मुख्यतः जैविक ईंधन निकालने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार कीकर भी शुष्क भूमि में पाए जाने वाला एक बहुउपयोगी पेड़ है। कुछ किसान इन पेड़ों के साथ सिसो का पेड़ भी लगाते हैं। हालांकि ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, पर पूरी तरह तैयार हो जाने पर इसके लकड़ी की अच्छी कीमत मिलती है। कर्नाटक का राज्य पेड़ चंदन ने भी पिछले कुछ सालों में खेती में अपना स्थान बना लिया है। इसके तस्करी को रोकना बहुत कठिन है। सरकार के द्वारा वन अधिनियम में छूट लाने के बाद कई किसानों ने चंदन के पेड़ को ज्यादा मात्रा में उगाना शुरू किया है। शुष्क भूमि में इस पेड़ की बढ़ोतरी बहुत धीमी होती है, लेकिन ये बहुत उच्च गुणवत्ता वाला हार्डवुड देता है। सरकार भी अब सभी किसानों को चंदन उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।